मुझे अनाज कम दिया जाता है, इन्होंने लिख कर देने से मना कर दिया। इनका कहना है कि हम उधर नहीं लड़ेंगे, हम उधर से पूरा अनाज नहीं मांगेंगे, ये जो गरीब जनता है इनका हम शोषण करके अपना भी पेट भरेंगे। इनके नाम उनके नाम पर कि पलौत वाले कम देते हैं ये कहकर हम गरीब लोगों का शोषण करेंगे। हो रहा था कि इनका अनाज लूट लूट के इनको दिया जा रहा था, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको दिया जा रहा था, उस समय नुकसान नहीं हो रहा था, और आज नुकसान हो रहा है। जिनका हक मैं सही से दिलवा रहा हूं तो नुकसान हो रहा है, दिक्कत होती है। धमकी देते मुझे, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, क्या कर लीजिएगा करके, जिसको जो करना है कीजिए, मैं डरने वाला और भूलने वाला। दोस्तों नमस्कार, आज बड़ा बेहतरीन टॉपिक पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। बड़ा विचित्र बात है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुखिया जी, डीलर, गरीब जनता और VIP जनता के बीच बहुत सारे संबंध हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और जानकर बड़ी हैरानी होगी, ये किस तरह का उलझन है और किस तरह का गड़बड़ी यहाँ से पैदा होती है। आगे हम बात करेंगे, डीलर लोगों का भी बहुत सारा शिकायत है और कुछ शिकायत जायज़ भी है। डीलर लोगों का शिकायत यह है कि हमको अनाज कम मिलता है, हम कम कैसे बांटेंगे, हमको ऊपर के अधिकारी कम देता है, हम कम कैसे बांटेंगे। सही बात है कि अगर कोई डीलर को अनाज कम मिलता है तो कम बांटता है, और ज़्यादा बांटने में भाई मुश्किल होता है। लेकिन इसके पीछे हम आपसे राज क्या छुपा हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस पर, ये मुखिया जी का कनेक्शन, डीलर का कनेक्शन और गरीब जनता और VIP जनता, मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो मैं आपको बता दूं कि जब इस बार चुनाव हुआ था, मुखिया का चुनाव जिसमें मैं जीता, इससे पहले की कहानी मैं आपको बताता हूँ। वो कहानी स्टार्ट हुआ, लेकिन वो कहानी पहले मुझे पता नहीं था। मैं जैसे ही मुखिया बना, तो मुखिया बना तब क्या हुआ कि कुछ दिन जब बीते, लगभग एक महीना बीता, तो कुछ लोग आए मेरे पास और आते थे और कहते थे कि मुखिया जी, हमार राशन में नाम काहे कटवा दिलिए हम। तो हमको समझ नहीं आया कि अभी हम मुखिया बनवे किए हैं, कोई एक्शनो नहीं लिए, राशन में नाम हम कैसे कटवा दिए भाई। तो एक शिकायत, दो शिकायत, तीन शिकायत, ऐसा जब हमको मिलना शुरू हो गया कि राशन हमको नहीं मिलता है, मुखिया जी कल्ला हमारा नाम हटवा दिली हैं, अब हमारा राशन न मिले छे, तो हमको ना थोड़ा सा अजीब लगने लगा कि हम कुछ किए नहीं और लोग कह रहे हैं कि आप हमको राशन में से नाम क्यों हटवा दिया, अब राशन हमको डीलर नहीं देता है, पहले देता था। हमने कहा कि एक बात बताइए, आपके पास राशन कार्ड है? तो बोला कि राशन कार्ड तो ना है, लेकिन मिलाई था राशन। हम कि राशन कार्ड नहीं है तो राशन कैसे मिलता था भाई। तो वो हमें दिखाते थे इस तरह के चिरकुट, इस चिरकुट पर लिखा हुआ रहता था पहले वाले मुखिया जी का साइन, मोहर, और उसमें लिखा रहता था किसी डीलर का, जैसे चार डीलर है तो उसमें से वो कुछ डीलरों का इस्तेमाल करते थे, दो तीन डीलर का इस्तेमाल करते थे। वो क्या करते थे, उसमें लिख के देते थे कि मान लीजिए कि नितिन जी हैं, तो नितिन जी को 30 kg अनाज दे दीजिएगा, डीलर के नाम मोहर मार देना है, अपना सिग्नेचर कर देना है, ये नितिन जी लेके जाएंगे और उनको राशन मिल जाएगा। अब दोस्तों, जब इस तरह के कुछ पुर्जे मेरे पास हैं और आज भी अवेलेबल हैं, तो मैं जब ये चिरकुट देखा तो मैं हैरान हो गया। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई गरीब आदमी को राशन अगर नहीं मिल रहा है तो मुखिया जी के लिख देने से मिल गया होगा, तो कहीं ना कहीं ये ठीक बात है, कोई गड़बड़ बात नहीं है। लेकिन फिर भी डीलर की तो हत्या हो रही है, इसमें डीलर की हत्या ये हो रही है कि इस पुर्जे पर ब्लॉक वाले MO साहब तो डीलर को अनाज नहीं देंगे, तो समस्या ये है, लेकिन डीलर को तो देना पड़ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा जो खेल शुरू होता है कहां से होता है, इसे सुन लीजिए। मुखिया जी लंबे समय से, 15 साल से मुखिया रहे, 5 साल पहले पंचायत समिति रहे, कंटिन्यू लगातार रहे, इसी बीच ये सारे डीलर भी पनपे, कुछ डीलर पहले से और कुछ इनके समय में। इन सारे मतलब तंत्र को इन्होंने इस तरह से एकत्रित करके बांध लिया, अपने एक मकड़े की जाल होती है उस तरह से बना लिया कि पूरे पंचायत का शोषण कैसे किया जाए, इसका पूरा फॉर्मूला तैयार हुआ। इस फॉर्मूले तैयार करके इसमें यह हुआ कि चुनाव के टाइम में इन चीजों का इस्तेमाल होना है। जैसे जब चुनाव आएगा तो 2 महीना पहले जिस व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम न भी है या वो योग्य नहीं भी है, वो पक्का का बड़ा बड़ा मकान वाला आदमी है, चाहे नौकरी में
रह चुका है, उसको पेंशनधारी है, वैसे लोगों को चिरकुट में लिखे। हाँ, एक दो दो चार 10% गरीब भी लोग हैं, लेकिन उस गरीब लोगों का इस पुर्जा न लिख के अगर राशन कार्ड बनवा दिया जाता तो इस पुर्जे की जरूरत नहीं पड़ती और राशन कार्ड से बहुत काम होता। वैसे लोगों को क्या किया गया कि उनका राशन कार्ड नहीं बनवा के गरीब आदमी का सिर्फ एक पुर्जा लिख दिया गया। और यह भी होता था शुरू चुनाव से 2 से 3 महीना पहले, और इस तरह के पुर्जे बाकी लोगों को भी बना दिया गया। काहे कि हम तोरा राशन अब देवा दे छियो, मुखिया जी के बारे में सोचेगा कि हमरा अब राशन मिल रहा है, मुखिया जी एगो चिरकुट लिख देते हैं उस पर राशन मिल जाता है, यानी मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और डीलरों को ये कह दिया गया कि भाई हम लिखेंगे, तुम राशन दे देना। ये पहले वाले मुखिया जी ऐसे ही करते थे। अब क्या हुआ कि लोग जाते थे, उनको राशन मिलता था, ये चुनाव से 3 महीना 3 बार तो वो राशन उठाए लो, और हुआ ये संयोग कि मुखिया जी हार गए और चुनाव मैं जीत गया। अब जब मैं चुनाव जीत गया तो इस तरह के पुर्जे को डीलरों ने बंद कर दिया, क्योंकि डीलर तो भाई उनके हैंड्स थे। और उन्होंने क्या किया कि सारे का मतलब इस तरह के पुर्जे वाले का राशन बंद कर दिया, राशन बंद कर दिया। अब वो सारे लोग मुझे दोषी समझने लगे, ये गलत गलत प्रचार करने लगे कि मुखिया कोई काम के नहीं, एगो राशन मिल रहा था सही, राशन बंद करवा दिया। जब इस तरह के बात आने लगी तो मैं सोचा कि भाई एकाएक राशन इन लोग का कैसे बंद होने लगा बिना कोई कार्रवाई कोई एक्शन के। तो मैं इस तरह का जब चिरकुट देखा, इस तरह के पुर्जे बन बन के आते थे सादे कागज पर ऐसे ही लिख के, उसमें कि फलाने को इतना अनाज दे देना है, चिलाने को इतना, जबकि उसके नाम से राशन आता नहीं है। उसमें 90% अमीर आदमी थे, वैसे आदमी थे जो कोई तो या तो पेंशनधारी है या जो एकदम समृद्ध परिवार से, ऐसे लोगों का आता था। अब दिक्कत इस बात की थी कि मेरे ऊपर परेशानी, अब उतने लोग अगर मान लीजिए 300 लोगों का इस तरह का पुर्जा बना पंचायत में, वैसे लोग राशन ले रहे हैं, उन सब का डीलरों ने तो राशन बंद कर दिया, क्यों? हमारी बदनामी के लिए। और सब ने कहा कि ऊ मुखिया जी दैत रखू, ई मुखिया जी न दे छू, ई से न हो तो ऊ मुखिया जी के साइन कर लहो, हिनका कहे से हम न देबो। और इस तरह से सबका राशन हो गया बंद। तो जब मुझे पता चला, मैं तो भाई अचंभित रह गया कि ये कौन सा खेल चल रहा था। तो मैं इस तरह के पुर्जे लेकर मैं पहुंचा डीलर के पास और डीलर से कहा कि भाई आपने ऐसे लोगों का राशन क्यों बंद किया? तो ना, वो पहले मुखिया जी लिख कर देते रखिन तो दे देते रही आई, से अब कहते रखिन जो कोई गरीब है तो दे दिए। तो ये बातें हुई। लेकिन बताइए, क्या इस पुर्जे पर राशन डीलर को मिलता है ब्लॉक से? अगर मैं इसमें लिख दूं कि फलाने आदमी को 30 kg अनाज, जो डीलर वीडियो देख रहे हैं आप जरूर बताइएगा, बहुत गुस्सा होंगे बिहार के डीलर हमसे, क्या इस पुर्जे पर अनाज मिलती होगी? नहीं मिलती होगी ना। लेकिन वो होता कहां से, सुन लीजिए, वो जो 300 अमीर आदमी को राशन मिलता था, ये बाकी गरीब आदमी के 5-5 kg प्रति अनाज काट के, वो जो 10 अगर कोई व्यक्ति के घर में अगर 8 आदमी है तो सब पर 1-1 kg काट लिया गया, तो 8 kg अनाज कटा, मतलब एक आदमी पर 1 kg कटता था, अगर 5 आदमी है तो 5 kg कटता था। इन अनाजों से ये VIP लोगों को मिलता था। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति थी। क्योंकि इन आदमी को, जिनको राशन कार्ड नहीं भी है और राशन कार्ड तो बनेगा नहीं, इनको अगर हम राशन दिलवाएंगे तो ये लोग हमें वोट देंगे और ये हमारे साथ खड़ा रहेंगे, हम नाजायज करेंगे तो भी हमारे सहयोग में रहेंगे। तो इस तरह से ये धंधा चलता था। और ये अनाज कटता किसका था? जो कार्ड वाले थे उनका अनाज कटता था और उनके पास जाता था। और जब मैं जीता तो ऐसे लोगों का भी बंद हो गया। अब क्या हुआ कि एक तो इन गरीब आदमी का, इनका तो 1 kg अनाज कट ही रहा था प्रति व्यक्ति, तो इनका तो कट ही रहा है, तो भाई इनको तो जैसे झेल रहे झेल ही रहे। इनका जो रुक गया मेरे जीतने के बाद, तो ये लोग सारे हमारे खिलाफ में, और ये लोग का तो भाई शोषण हो ही रहा है, इनका तो कोई दिक्कतें नहीं है, बेचारे ही तो मरे जिए वैसा ही रहते हैं,
वैसा ही रहेंगे। इनको एक बार कोई कह दे कि मुखिया जी ये कर दिए हैं तो बस वही सुनेंगे, कह देंगे कि अभी दिन है तो दिन, अभी रात है तो रात। कोई कह देगा मुखिया जी ने आपके साथ गड़बड़ कर दिया तो गड़बड़ मान लेंगे, कह देंगे सही कर दिया सही कर देंगे। गरीब जनता के साथ ये समस्याएं होती है, बेचारे न सोच पाते हैं न समझ पाते हैं, कोई चल दिया बस उसके पीछे चल दिए। समस्या है, दुर्भाग्य है, अशिक्षा जो है बढ़ा हुआ देश में, यही वजह से इतना है। थोड़ा सा समझदारी अगर हो जाए, लोग जागरूक हो जाएं, पढ़े लिखे घर में हो जाए, लोग के सबके घर में एक दो पढ़े लिखे लोग तो समझने लगेंगे। अब मैं जब पहुंचा तो अब क्या होता था, उस समय 11 रुपया प्रति यूनिट चलता था, लेकिन इन लोगों से लिया जाता था 13 रुपया। तो मैंने कहा कि एक तो इन लोगों को अनाज आप कम देते हैं, दूसरा 11 के बदले आप 13 रुपया लेते, ऐसा क्यों करते हैं। तो डीलरों ने मुझे कहा, ऐसा नहीं कि मैं एकाएक गया और अभी जाके उन पर हमला बोल दिया, तो इन्होंने कहा कि भैया हमें ब्लॉक से अनाज कम मिलता है, किसी बोरा में 48 किलो, किसी बोरा में 47 किलो होता है, किसी में 50 भी होता है, लेकिन कोई में कम भी होता है। अब स्थिति ये होती है कि बोरा का वजन भी तौल दिया जाता है और जबकि हम यहाँ अनाज देते हैं, तो अब समस्या ये है कि इसीलिए हम अनाज कम देते हैं क्योंकि हमें बोरा में कम मिलता है। तो हमने सोचा, मैं भी नया नया मुखिया बना था, बड़ा दिक्कत की बात है कि अगर अनाज कम मिलता है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। हम जो है सो पहुंचे ब्लॉक में और इन लोगों को मैंने कहा कि ठीक, अगर अनाज कम मिलता है तो जैसे आप बांट रहे थे आज तक ठीक है, अभी वैसे बांटिए, लेकिन ये 11 रुपया के जगह जो 13 रुपया ले रहे हैं इसमें क्या झोल है। तो इसमें इन लोगों की बोलती हो गई बंद। तो मैंने कहा कि आपको अब 11 रुपया ही लेना है, 13 रुपया नहीं लेना है, जो सरकारी रेट है उसी पर आपको अनाज देना है, और अगर आप अनाज कम दे रहे हैं और आपका कहना है कि अनाज कम मिलता है तो हम ब्लॉक में बात करेंगे, एमओ साहब से बात करेंगे, अनुमंडल में जाएंगे तो एसडीओ साहब से बात करेंगे। हमारी जब मीटिंग हुई ब्लॉक में, मैंने इस मुद्दा को उठाया ब्लॉक में, तो ब्लॉक के अधिकारियों ने कहा कि नहीं, हम तो यहां से वजन करके अनाज भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरा अनाज देते हैं, आपके पंचायत में कैसे बंटता है आप जरा उसको देखिए। तो मैं जब इन लोगों को बुलाकर कहा कि भाई सुनिए, आपको पूरा पूरा अनाज देना है, अगर अनाज आप नहीं देते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, और सरकारी रेट पर ही देना है। ये लोग हमारे भीड़ से सुनकर चले जाते हैं, जैसे वहां लागू करते हैं तो पहले वाले मुखिया जी का अब शिकायत शुरू होगा, क्योंकि पहले 13 रुपया होता था अब 11 रुपया, पहले आदमी को 1 केजी अनाज काट के मिलता था सभी लोगों पर, 5 आदमी है तो 5 केजी कट गया एक परिवार से, तो अब उनको 5 केजी पूरा अब ज्यादा मिलेगा, इस वजह से इनकी शिकायत होती। इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रच दिया, अब कहा कि ना ए डीलर साहब जैसे पहले बांटता था वैसे ही बांटना। ये लोग भी बेचारे चूंकि उनके सहयोगी ठहरे, ये उन्होंने कहा कि ना हम वैसे ही बांटेंगे। ये मेरा बात काट के, मेरी बात को अनसुना करके इन्होंने फिर वही किया, और अभी जो 14 रुपया रेट चल रहा था इसमें इन्होंने 15 रुपया कर दिया, और अनाज 1 केजी कम देंगे, और ये अपने हिसाब से बांटना शुरू कर दिया। मतलब मेरी बात को यहां पर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। मुझे समझ में आया कि भाई जब इस तरह से हो ही रहा है और हम मुखिया बने हैं तो घंटा लल मुखिया बने हैं, कौन काम के हम हैं, जब कोई काम कर ही नहीं सकते हम तो काहे का मुखिया। गरीब आदमी का हम हक दिला ही नहीं सकते, इनका अनाज काट के इनका पेट भरा जाता है, फिर काहे का मुखिया। फिर मैं इस बार मैं सोच लिया था कि अब मैं जाऊंगा तो डीलर हमें कहेंगे ही कि हमें बचता नहीं, हम तो इस्तीफा दे देंगे। मैं खुद सादा पेपर लेके और कलम लेके ही गया था, और आपने वीडियो में देखा होगा मैंने पहले इस्तीफा मांगा नहीं था। जैसे ही एक डीलर साहब के पास गए, बाकी सबकी स्थिति थी, सब ने कहा कि ना हमारा नुकसान होता है, हम कि तो नुकसान होता है अगर आपको अनाज कम मिलता है, मैं इस पंचायत का मुखिया हूं, आप मुझे लिखित दीजिए कि मुझे अनाज कम दिया जाता है, इन्होंने लिख कर देने से मना कर दिया। इनका कहना है कि हम उधर नहीं लड़ेंगे, हम उधर से पूरा अनाज नहीं मांगेंगे, ये जो गरीब जनता है इनका हम शोषण करके अपना भी पेट भरेंगे, इनके नाम उनके नाम पर कि ब्लॉक वाले कम देते हैं ये कहकर हम गरीब लोगों का शोषण करेंगे। और आपने वीडियो में देखा होगा जब मैंने कहा कि आप लिख कर दीजिए, अगर अनाज कम मिलता है तो आप मुझे लिखित दीजिए, मैं बात करूंगा, इन्होंने लिख कर देने से मना कर दिया। और कोई भी
अधिकारी के पास आप जाते हैं तो आपको लिखित रूप में देना पड़ेगा। किसी विभाग में कोई शिकायत करना होगा तब मुंह से शिकायत करने से नहीं होगा। एक डीलर साहब कह रहे थे हम मौखिक बोले हैं, ईएसडीओ साहब के नहीं बोले हैं, पहले वाला एसडीओ साहब के बोले हैं। एक मीडिया वाले ने पूछा कि भाई आप एक बात बताइए, ई सब आवाज उठाए ना, पहले एगो जो हमारे थे संघ के जो एगो अध्यक्ष थे वो मर गए, उसके बाद चुनाव नहीं हुआ, तो हम लोग मौखिक बोले थे। मौखिक बोले से होगा? कंप्लेन मौखिक होता है, मौखिक नहीं होता है। 32 साल से 30 साल से या 20 साल से जो आप इस तरह से धांधली मचाए हुए हैं, इसका अब एकाएक हो गया बदलाव। अब बदलाव हुआ तो आपको दिक्कत होगा ही, लेकिन सुन लीजिए, ये तरीका नहीं है। आपको जहां लड़ना है उनसे नहीं लड़ते हैं, और आप कोई गरीब आदमी को तुरंत डांट के भगा दीजिए, ए लेना है तो ले आ, नहीं तो जाओ, इतना देना होगा आ, नहीं तो जाओ, इस तरह से आप करते हैं। ये मुझे पता है और मैंने देखा है। अरे जब हम उसी गांव से हैं, जब हम बच्चे थे हम लोग भी जाते थे, हम भी देखते थे। तो हमने क्या किया कि जब हम गए तो डीलर साहब कहते कि नहीं बांटेंगे, 5 केजी नहीं देंगे। हमने कहा जो सरकारी दर तय है उस पर दीजिए और 5 केजी अनाज दीजिए। कहते कि नहीं देंगे, हम उसे अच्छा है इस्तीफा दे देंगे। झट से मैंने कागज बढ़ा दिया कि दीजिए इस्तीफा, हाँ तो देंगे, लाइए। और ले लिए कागज और कहते कि न, इस्तीफा हम आपके सामने नहीं देंगे, हम देंगे एसडीओ साहब के, तो जाकर दीजिए आप जब इतने ईमानदार हैं। दूसरा एगो एक न्यूज वाले आए थे, उन्होंने कहा था, बड़ा बुरा लगा मुझे ये जान के, कि इनको अनाज दिलवाने में जनता को सहयोग करना चाहिए और जब अनाज आए तो जनता यहां पर आकर खड़ा होकर उसका तौल करवाए। पागल हैं, बेकूफ समझ रखे हैं जनता को? जनता आएगा तौलवावे ले तो डीलर कौन काम के? डीलर कौन काम के? जनता जाएगा ब्लॉक से ट्रक के पीछे पीछे आएगा, डीलर काहे बना है? डीलर बना है वहां से अनाज ला के यहां जनता को देने के लिए। और आप कम लाते हैं या ज्यादा उससे मतलब नहीं है। अगर लड़ाई लड़नी है तो आप ऊपर लड़ाई लड़िए, जनता से लड़ाई नहीं लड़िए। इनसे लड़ के क्या करिएगा? आप मुखिया को लिखित नहीं दीजिएगा कि हमको अनाज कम मिलता है, काहे नहीं दीजिएगा? क्योंकि आप उनके नाम पर इनको शोषण करेंगे, यह तरीका है। यह शोषण हमारे यहां नहीं चलेगा। बाकी डीलर भाई लोग को दिक्कत हो रहा है बाहर के समस्या, मैं बाहर हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा हूं, मुझे अपने पंचायत को सुधारना है। मैं यहां का मुखिया हूं, मुझे अपने पंचायत को कैसे चलाना है मैं इस पर सोचता हूं। यह सही हो रहा था कि इनका अनाज लूट लूट के इनको दिया जा रहा था? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको दिया जा रहा था, उस समय नुकसान नहीं हो रहा था? और आज नुकसान हो रहा है, जिनका हक मैं सही से दिलवा रहा हूं तो नुकसान हो रहा है, दिक्कत होती है। धमकी देते मुझे, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, क्या कर लीजिएगा करके? जिसको जो करना है कीजिए, मैं डरने वाला और हिलने वाला नहीं हूं। जनता देख रही है, पूरा बिहार देख रहा है। और मैं आप लोगों से कह दूं कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है सारे डीलर एक होके, तो लड़ाई ऊपर के अधिकारियों से लड़िए और कहिए कि मुझे पूरा दीजिए, हम जनता को पूरा देंगे। इससे आपका नाम होगा, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, इसे घटेगा नहीं, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और मेरा भी सहयोग रहेगा आपके साथ और पूरे बिहार की जनता आपका सहयोग करेगी। अगर कोई अधिकारी आपको देने से आनाकानी करता है आप लिखित रूप से दीजिए। बात करते हैं, मुझे सिखाएंगे, हमें कहते कि आप फंसिएगा, आप जाइएगा, फंसाइए कहां, फंसाइए रे, फंसाइए सांच को आंच, क्या कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मुझे मत डराइए इन चीजों से। पूरा बिहार के जनता देख रहा है और बिहार बदल रहा है। और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सब लोग एक होकर अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और अपने अपने जगह सब मिलकर सुधार करवाइए, सुधार होगा। कंप्लेन दीजिए, आप लोग पूरी जनता मिलकर अगर कंप्लेन दीजिएगा ना, तो वीडियो हो चाहे एमओ हो एसडीओ हो, सबकी हालत खराब हो जाएगी। कोई भी इसमें मिली भगत में होंगे तो सबकी हालत पस्ता हो जाएगी। और मैं आप लोगों के साथ हूं, पूरे बिहार के मैं साथ हूं। अगर सबने मुझे, सारे डीलर जब एक हो रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से बांटते हैं, कुछ लोग मुझे वीडियो कॉल भी किए हैं, डीलर ने वीडियो कॉल किया कि हम बांट रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, मैंने पूछा कि कितना दे रहे हैं, तो सर हम पूरा अनाज दे रहे हैं, मुझे खुशी हुई। वीडियो कॉल करके उन्होंने दिखाया, सामने जनता से भी बात करें, मुझे खुशी हुई। लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग हैं, वो मेरे खिलाफ एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं, वो बना रहे हैं एक संगठन, बना रहे हैं मुझे खत्म करने के लिए, मुझे मिटाने के लिए। लगाइए ताकत, कितनी ताकत है आप में लगा लीजिए। याद रखिए,
सच्चाई जो है सिर्फ परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता है। और जितने बार विरोधियों ने हमें नीचा गिराने की कोशिश किया है, मैं हमेशा उतना बेहतर काम किया हूँ। सच्चाई के साथ जीता हूँ और सच्चाई के साथ मरूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खड़ा हूँ, हिला नहीं पाएंगे आप, कोशिश कर लीजिए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, पूरी जनता जान रही है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैं अकेला नहीं हूँ, ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेले रह जाऊँगा। मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो आपके सामना करने के लिए तैयार हैं। बनाइए योजनाएं, कीजिए योजना तैयार। मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में।